हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट डे रूल सर्वाइवल। एंड फाइनली गाइस, ये अपना ग्लोबल रैंक सर्वर को होने वाला है लास्ट डे। एंड आज जो है ना गाइस, हम लोग दो तीन बेस को रेड करेंगे एंड एक बेस जो है ना होने वाला है एक ऑनलाइन रेड। क्योंकि गाइस अपने पास लगभग 30-40 के करीब सी फोर्स बचे हुए थे, तो लगभग अपने सर्वर में जो है ना इस टाइम तक ओनली एक बेस था। तो हमारे पास जितने बॉम्ब्स थे, हम लोगों ने डिसाइड करा चलो यार उनको करते हैं। बट एक्चुअली वे गाइस वो अपने सब्सक्राइबर थे एंड उन्होंने जो है ना एकदम काफ़ी गजब की प्रोटेक्शन वाला बेस बनाया था। बट एक्चुअली में गाइस वो प्रोटेक्शन ही जो है ना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक था। वो कैसा है वो आप लोगों को आगे पता चलेगा। बट अभी जो है ना गाइस, हम लोगों के पास जितने भी बॉम्ब्स हैं हम लोगों ने वो अपने बैकपैक में रखे हैं। एंड फाइनली यार अभी हम लोग जाने वाले हैं यहाँ पे से बेस वगैरह रेड करने के लिए। वैसे एक बेस है तो आपको पता होगा अपने सर्वर में एक हैकर था जो कि अपने को बार बार मार रहा था। सो उसका वो बेस मेरे को यहाँ पे पता तो है। तो अभी जो है ना अपन लोग जाने वाले हैं उधर ही। सबसे पहले हम लोग उस हैकर का बेस वगैरह रेड करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे आगे अपने को क्या करना है। तो ओके गाइस, यहाँ पे हम लोग हार्बर के पास पहुँचे एंड यहाँ पे हम लोगों ने देखा भाई यार सर्वर एंड होने वाला है एंड यहाँ पे कुछ बंदे वगैरह रूम कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे मैं मार रहा था उसको गोली, तब तक वो जो है ना अपने रूम के अंदर घुस गया। तो मैं यहाँ पे जंप करते हुए जा रहा था, तो बट अपना टीममेट जो है ना वो उसके साथ साथ रूम के अंदर घुसा। एंड अपने पास वायर वगैरह तो नहीं था, तो अपने टीममेट ने बोला भाई यहाँ पे तुम्हारे पास किसी के पास वायर वगैरह होगा तो फटाफट से वायर वगैरह डालना, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। बट लकीली गाइज अपने एक टीममेट के पास यहाँ पे वायर वगैरह था, तो अपने टीममेट ने यहाँ पे वायर वगैरह डाला एंड अपने दूसरे टीममेट को जो है ना यहाँ पे से बाहर वगैरह निकाला। तो उसके बाद यार हमारा प्लान था हैकर को रेड करेंगे। डेफिनेटली यार हैकर का बेस अंदर से टाइटेनियम का तो होगा एंड अपने पास लगभग ओनली 21 सी फोर्स है। भाई देखते हैं रेड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एंड अपने पास यार कुछ ज़्यादा बॉम्ब्स वगैरह नहीं है, तो अपना टीममेट यहाँ पर से निकल चुका है। फटाफट से यार गाड़ी उठाते हैं एंड पहुँचते हैं फटाफट से हैकर के बेस में एंड करते हैं उसको सीधा यहाँ पर रेड। तो यहाँ पे मेरे को 4 सीटर गाड़ी मिला, मैंने कहा यार ये गाड़ी हम लोग लेके चलते हैं, इसको चलाने में जो है ना एक अलग लेवल का मज़ा आता है। तो चलो यार उसके बाद हम लोग फटाफट से यहाँ पे पहुँचे हैकर के बेस में एंड अपना टीममेट बोलने लगा भाई इसको यहाँ पे से डोर टू डोर रेड करो। तो चलो यार करते हैं फटाफट से इसको रेड। एंड आप लोगों को लग रहा होगा यार भाई ये हैकर का बेस कैसे, तो अभी रुको यार अभी बताते ना तुम्हें हैकर का बेस है या नहीं है। तो जब तक गाइस यहाँ पे हम लोग हैकर का बेस वगैरह रेड करते हैं, तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे इस वीडियो में नया है एंड जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड आज की वीडियो में हम लाइक का एम रखते हैं 400। आई होप गाइस आप लोग 400 लाइक्स तो कंप्लीट करा ही दोगे। वैसा मेरा प्लान था कि हम लोग यहाँ पे से छत से रेड करें, बट अपने टीममेट ने बोला भाई इसको जो है ना हम लोग डोर टू डोर चलते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है डोर टू डोर चलते हैं। एंड यहाँ पे गाइस अभी अपने को समझ में नहीं आ रहा है, तो अपने टीममेट ने बोला यहाँ पे लगा, तो फटाफट से मैं लगाता हूँ। ऑलरेडी गाइस हम लोगों ने 8 सी फोर्स तो लगा दी है, अभी जो है ना अपने पास ओनली 13 सी फोर्स बचे हुए हैं। भाई शॉटगन ट्रैप्स है, फटाफट से यहाँ पे सबसे पहले शॉटगन ट्रैप्स का एमो खत्म होगा। एंड आप लोग यहाँ पे खुद ही देख सकते हो बंदे ने जो है ना लार्ज फर्नेस कहाँ पे लगा के रखा हुआ है। तो देखते हैं गाइस अपन लोग कर पाएंगे, बट शॉटगन ट्रैप्स का बुलेट्स खाली होगा ना तभी अपन लोग रेड करेंगे। तो यहाँ पे अपने टीममेट्स लोग लगे हुए हैं शॉटगन ट्रैप्स का बुलेट्स खत्म करने में। ओके गाइस यहाँ पे शॉटगन ट्रैप्स का बुलेट्स वगैरह खत्म हो गया, तो लगभग मेरे पास 7 के करीब C4 है। मैं फटाफट से यहाँ पे वॉल में लगाता हूँ, देखते हैं गाइस कितना डैमेज आता है इसको। ओके डैमेज तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका ही है, तो लगता है इसी में लगाना पड़ेगा अपने को। दो लगाए, ठीक है गाइस यहाँ पे अपन लोगों ने 2 लगाया, मे बी इतने में तो टूट जाना चाहिए। ओके नहीं टूटा भाई, एक और लगाना पड़ेगा, तो फटाफट से मैं एक और C4 लगाता हूँ। तो भाई यहाँ पे 2-3 ऑयल्डम्स लगाना पड़ेगा एंड जैसे गाइस यहाँ पे ये टूटा ना उसके बाद अंदर से जो है ना अपने को 2 डोर्स और मिले। बट यार अपने पास C4 तो है नहीं, तो मैंने अपने टीममेट से बोला यार तुम्हारे पास किसी के पास C4 है, तो देखते हैं गाइस अपने किसी ना किसी टीममेट के पास तो पड़े होंगे C4। तो यहाँ पे तो गाइस अपने टीममेट के पास C4 वगैरह नहीं थे। वैसे ये डोर भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज है,
तो अपन लोग ऐसे करते ना, एक जो C4 मेरे पास बचा हुआ है वो हम लोग को लगाएंगे इस वाले डोर में। तो मेरे ख्याल से यार इसके बाद जो है ना अपने को लूट वगैरह तो मिल ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बॉक्सेस है। तो एक C4 मेरे पास पड़ा हुआ है, तो ऐसे करते ना हम लोग लगाते हैं यहाँ पे। तो चलो यार पहले तुम आराम से देख लो, उसके बाद मैं लगाऊंगा। ठीक है यार, यहाँ पे हम लोग ने C4 लगाया। एंड जैसे गाइस यहाँ पे ये डोर टूटा, उसके बाद यहाँ पे था ऑटो कैनन। भाई ये ऑटो कैनन का बुलेट ड्रेन करना होगा एंड उसी के बाद जो है हम लोग अंदर जा पाएंगे। तो ट्राई करते हैं ऑटो कैनन का बुलेट्स वगैरह ड्रेन करने का, लेट्स सी, देखते हैं ड्रेन होता है या नहीं होता। तो भाई यहाँ पे ऑटो कैनन का बुलेट्स वगैरह ड्रेन नहीं हो रहा था, क्योंकि इस बंदे ने इसमें काफ़ी ज़्यादा बुलेट्स डाला हुआ था। तो अपने टीममेट के पास कुछ C4 बचे हुए थे, तो अपने टीममेट ने फटाफट से यहाँ पे लगाया। एंड डोर में भी यार ठीक ठाक डैमेज गया है, और देखो अंदर यार टाइटेनियम का है। एंड लिटरली अपने पास यहाँ पे C4 भी नहीं है। तो चलो फटाफट से चलते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बॉक्सेस हैं, तो क्या पता उसके अंदर से अपने को C4 वगैरह मिल जाए। एंड अपना टीममेट बोलता ऊपर से रेड करते तो यार अपने बॉम्ब वगैरह बच जाते, बट मुझे नहीं लगता यार बॉम्ब वगैरह बचते। तभी भी टाइटेनियम वाला एरिया तो अपन लोग रेड नहीं कर पाते। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे मेरे पास जितने भी हैंडमेड्स है, तो मैं हैंडमेड से ये डोर तोड़ने का ट्राई करता हूँ। लेट्स सी, देखते हैं डोर टूटता है या नहीं टूटता। तो मेरे पास जितने भी हैंडमेड्स हैं तो मैंने फटाफट से यहाँ पे लगाए। ओके यार थोड़ा सा बचा हुआ है, लगभग 20 HP, तो 4 हैंडमेड्स लगाता हूँ। 3 लगाया मैंने, मे बी 3 में टूट जाएगा। ओके गाइस 3 में टूट गया। एंड आप लोग देखना सब ऑटोमेटिक राइफल डिवाइस नीचे लगाते हैं ना, ये बंदे ने उल्टा करके ऊपर लगाया हुआ है, देख रहे हो आसमान में। भाई गजब सीन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी देर तक यार इसका बुलेट्स वगैरह ड्रेन करने का ट्राई किया। एंड लगभग 10-15 मिनट बाद जो है ना इसका बुलेट वगैरह ड्रेन हुआ। एंड अब हम लोगों ने डिसाइड करा यार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बॉक्सेस हैं, तो एक एक करके गाइज हम लोगों ने सारे के सारे बॉक्सेस को तोड़ा। एंड लिटरली गाइज एक भी बॉक्स के अंदर जो है ना अपने को बॉम्ब नहीं मिला, बट यार हम लोगों को एक काफ़ी गजब की चीज़ मिली जो आप लोगों को मिलती है ना यहाँ पे, तो आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तो हम लोगों ने गाइस एक एक करके सारे के सारे बॉक्सेस तोड़े। एंड उसके बाद हमें मिला यहाँ पे स्वॉर्ड एंड स्वॉर्ड के डैमेज वो कंपोनेंट्स। तो उसका फटाफट से यार हम लोगों ने बनाया क्या, उसका हम लोगों ने बनाया हैमर। तो उसके बाद जो है ना हम लोगों ने हैमर से रेड किया, बट अपने पास यहाँ पे कुछ एंटी व्हीकल सेल्स वगैरह थे, तो मैंने डिसाइड करा यार इससे हम लोग थोड़ा बहुत डैमेज देते हैं, मे बी अपना हेल्प तो होगा। तो मैंने फटाफट से जितने भी मेरे पास एंटी व्हीकल सेल्स थे तो मैंने सारे के सारे यहाँ पे दिए। डैमेज गाइस ठीक ठाक आ रहा था इसमें, इतना भी बुरा नहीं है बट ठीक ठाक डैमेज था। तो भाई लगता है मेरे जितने भी सेल्स थे ना वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। एंड अभी जो ना हम लोग हैमर से रेड करने का ट्राई करते हैं, बट यहाँ पे अपना एक टीममेट बोलने लगा था भाई मेरे में भी सेल्स बचे हुए, तो हम लोगों ने कहा ठीक है फटाफट से लगा। बट देखो भाई कैसे बजूगा क्या सेल्स चलाता है भाई, भाई ये भाई जो है ना ये अलग ही लेवल में बजूका की चलती है इनकी। तो चलो यार हम लोग यहाँ पे रिवाइव वगैरह तो हो चुके हैं। एंड मेरे पास जितना भी यहाँ पे एनर्जी सोर्स था वो मैंने इसको स्प्लिट करा। एंड अभी जो है ना हम लोग करते हैं फटाफट से हैमर से रेड, देखते हैं गाइज इसको तोड़ने में कितना टाइम लगेगा। वैसे गाइज इसको तोड़ने में जो है ना अपने को लिटरली गाइज 20 मिनट लगे थे दो बंदे को, बट जैसे तैसे भी करके गाइज हम लोगों ने यहाँ पे इसको तोड़ ही दिया। तो चलो यार फटाफट से इसको तोड़ने का ट्राई करते हैं, लेट्स सी, देखते हैं अपन लोग तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे। यार नीचे से मारने का ट्राई कर रहा हूँ ना तो उनमें लग जा रहा है, तो अपन को ऐसा लगता है यहाँ पे ये जो वर्क बेंच है ना उसके ऊपर खड़ा होकर इसको मारना पड़ेगा। तो चलो गाइज फटाफट से इसको मारते हैं। एंड एक हिट मारा, रिलोड किया, फिर उसके बाद जो है ना अपन लोग मारते हैं दूसरा हिट, फिर रिलोड करेंगे, फिर तीसरा हिट। ओके गाइज लगभग यहाँ देखो टूटने वाला है, जय माता दी अभी नहीं टूटा। ओके गया भाई ऊपर, ऑटो कैनन लगा के रखी भी है, तो फटाफट से हमको जो है ना ऑटो कैनन क्या ड्रेन कर रहे हैं, सीधा इसका TC फोड़ दें। मैं सोच रहा था यहाँ पे ऑयल ड्रम्स लगाओ, बट ये जो है ना गन से तोड़ेंगे, तो मैंने कहा यार तोड़ो तुम गन से ही तोड़ो। तो ओके गाइस यहाँ पे हम लोगों ने हैकर का बेस वगैरह भी रेड कर दिया है। भाई जब तुमने खेलना ही नहीं था, जब तुम्हें रेड ही नहीं करनी थी, तो यार इस तरीके से गेम बर्बाद करके भी क्या फ़ायदा है। तो
तो मैंने कहा यार मुझे तो नहीं लग रहा था इस बंदे से अपने को कुछ खास मिलेगा, तो हमारे पास जितने भी यहाँ पे बॉक्सेस थे हम लोगों ने तोड़ा। बट यार यहाँ पे जो है ना अपने को थोड़ा बहुत रॉकेट सेल्स मिले एंड थोड़े बहुत जो है ना अपने को यहाँ पे जीपी वगैरह मिला। तो उतने से गए जितने बॉम्ब्स वगैरह बन रहे थे अराउंड 30 के करीब C4s बने थे। तो हम लोगों ने डिसाइड करा चलो जो 30 C4 है ना उसको लेके चलते हैं। एंड लेकाहार में जो बड़ा बेस था ना जो कि अपने सब्सक्राइबर भाई का बेस था उस पर रेड करने का ट्राई करेंगे। मुझे पता था यार उतने बॉम्ब से तो रेड नहीं होगा, फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे एंड देखना यार बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो उसके बाद यार यहाँ पे हम लोगों ने सारा का सारा सामान वगैरह उठाया एंड जितना मेरे को चारकोल सल्फर वगैरह मिला था उसका मैंने जीपी वगैरह बनाया। और उसके बाद जो है ना हम लोग गए थे यार उस बेस को रेड करने के लिए। मज़ा बहुत आया था बट अपने पास बॉम्ब्स वगैरह ख़त्म हो गए थे एंड बाद में जो है ना लास्ट में वो बंदे ने काफ़ी गजब का सीन किया, वो आपको मैं बताऊंगा। एंड उस टाइम जो है ना हम लोग अपने टीममेट को काफ़ी गंदी गंदी सुना रहे थे भाई। हम लोग बोल रहे थे एक बंदे को जो है ना बाहर में कैंप करना चाहिए था, अगर बंदा आता तो मारता, बट क्या करें। बट कोई नहीं गाइस अभी जो है ना हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे पास चारकोल है एंड 75 के करीब मेरे को एक्सप्लोजिव मिला था। तो जितना भी अपने पास सल्फर है उसका हम लोग बनाएंगे जीपी, जीपी से हम लोग बनाएंगे फटाफट से एक्सप्लोजिव एंड एक्सप्लोजिव से हम लोग बनाएंगे C4। तो ठीक है गाइस यहाँ पे मैंने सारे का सारा बॉम्ब वगैरह बनाने लगा दिया है एंड बॉम्ब वगैरह बन ही जाएगा कुछ देर बाद। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना इसका पूरा का पूरा बेस ही क्लियर करते हैं, ऐसे बंदे नहीं चाहिए। वैसे गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि भाई नेक्स्ट सर्वर कौन सा स्टार्ट करें। मेरा प्लान है हम लोग जो है ना लैंड ऑफ डाउन स्टार्ट करेंगे एंड इस बार ही जो है ना मैं अकेले ही खेलने वाला हूँ, नया सर्वर स्टार्ट नहीं करूँगा क्योंकि लैंड ऑफ डाउन में यार मास का काफ़ी गंदा लफड़ा रहता है। तो मैं कम से कम हाफ दिन वाला स्टार्ट करूँगा जिसमें करीब 8-9 दिन बचे होंगे एंड उसमें हम लोग ग्राइंड वगैरह करेंगे और सारा का सारा सामान उठा के फिर हम लोग रेड्स वगैरह करेंगे। तो चलो यार अभी करीब मेरे पास अराउंड 20 के करीब C4 बन चुके हैं, 10 के करीब C4 अभी अब मेरे क्राफ्टिंग में है, 10 नहीं यार 32 है, करीब 50 के करीब C4 से अपने पास। तो यार होने के रेड होने के चांसेस तो हैं बट यार टाइटेनियम का है बंदों का एंड मुझे नहीं लगता इतने में हो पाएगा, फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं। चलो यार चलते हैं फटाफट से। ओके गाइज यहाँ पे हम लोग आइस वाले एरिया में पहुँच चुके हैं एंड कुछ ही देर बाद हम लोग पहुँच जाएंगे लेकहार में, मज़ा बहुत आएगा गाइज। चलो चलते हैं। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये भाई लोगों ने इतना बड़ा बेस बनाया है एंड लिटरली गाइज इन्होंने रेड मेरे हिसाब से बहुत कम रेड किया, आधे से ज़्यादा बेस तो मैं ही उड़ा दिया था इन यहाँ पे। बट यार इन्होंने पता नहीं मैं समझ में नहीं आया बॉम्ब कहाँ पे बजा के रख रहे थे। बाद में भाई बोल रहा है कि भाई मैंने हमने तुम्हारा बेस रेड कर दिया, मैंने कहा कोई नहीं यार मैं तो रेड वगैरह मार के चले ही गया था, मुझे इतना मतलब नहीं रहता, अगर मेरे बॉम्ब ख़त्म हो गए तो मेरे लिए सर्वर वहीं पर ख़त्म, लास्ट तक मैं रुकता ही नहीं किसी सर्वर में। ओके गाइस यहाँ पे हम लोग पहुँचे एंड हम लोगों ने यार फटाफट से यहाँ पे बैग वगैरह लगाए और यहाँ पे हम लोग बोल रहे थे अपने टीममेट से यार होगा या बेस वगैरह रेड या नहीं होगा 50 C4 में। तो दूर से देखने में तो यार मुझे नहीं लग रहा है बट एक टाइम पे मुझे लगने लगा था जब हम लोग अंदर रेड कर रहे थे ना कि भाई रेड तो हो जाएगा, बट वो किस तरीके से होगा वो तो गाइस आपको अंदर चल के पता चलेगा। बट यार यहाँ पे जो है ना ये भाई लोगों ने ग्लिच करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट लगा के रखा हुआ है जैसे मैं लगाता था। तो देखते हैं गाइस उसको अभी फटाफट से यार अंदर चलने का ट्राई करते हैं। तो हम लोग पूछने लगे थे अपने टीममेट से भाई हो पाएगा, तो हमारी यहाँ पे उम्मीद वगैरह ख़त्म हो चुकी थी। तो हमारे पास जितने भी यहाँ पे बजूका के सेल थे एंड ग्रेनेड लॉन्चर्स थे वो हम लोगों ने जानबूझ के यहाँ पे फेंक दिए। तो अराउंड गाइस 40 के करीब C4s बन चुके हैं एंड 10 C4 और बन रहे हैं। तो चलो चलते हैं यार। तो भाई क्या लगता है आपको हो पाएगा? तो आप लोग बताओ यार मुझे तो नहीं लग रहा है कि बेस रेड हो पाएगा इतने बॉम्ब पे, बट आप लोग को क्या लगता है क्या हो पाएगा? वैसे फिर हम लोग बोल रहे थे कि नहीं हो पाएगा यार बॉम्ब बहुत ज़्यादा लगेंगे, बट बाद में अपना एक टीममेट बोलने लगा था हो जाएगा रेड, मैंने इनका बेस देखा है इजीली रेड होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं किस तरीके से रेड होगा। एंड अपने पास यहाँ पे कुछ बजूका के सेल्स थे तो हम लोग एवी मारने लगे थे
उम्मीद हम लोग छोड़ चुके थे गाइस कि यहाँ पे इस बेस को रेड कर पाएंगे, फिर भी हम लोगों ने ट्राई किया। चलो यार चलते हैं, नहीं हो पाएगा तो कोई नहीं, तो मेरे पास जितने बाजूके के चलते हम लोगों ने मारे। बाजूके के सल्स खत्म होने के बाद यहाँ पे मेरे पास ग्रेनेड लॉन्चर था, वो मारा मैंने इसमें, बट डैमेज क्या आता है, कुछ भी नहीं ग्रेनेड लॉन्चर का। तो चलो यार अभी अपने सारे के सारे बॉम्ब्स वगैरह तो खत्म हो चुके हैं, आई मीन रॉकेट सेल एंड लॉन्चर्स की एमओ, एंड अभी यार अपने को चलना है अंदर सीधा बेस उड़ाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ बॉम्ब्स आई मीन 30 C4 के करीब ड्रॉप किए, एंड मैंने कहा यार वहाँ पे जो है ना अपना एक चाइनीज भाई उठा लेगा तो वो यहाँ पे रेड वगैरह करेगा। तो चलो यार चलते हैं, अभी यार अपने को अंदर जाने के लिए कुछ इसका वॉल वगैरह तोड़ना पड़ेगा, बट अंदर जाने के लिए अपने टीममेट को किसी ना किसी टीममेट को झटका भी खाना होगा। तो देखते हैं गाइस अपना कौन सा टीममेट यहाँ पे झटका खाता है एंड कौन सा टीममेट अपने को अंदर घुसाने का ट्राई करता है। तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने डोर वगैरह तोड़ा, ठीक है यहाँ पे से हम लोग अंदर चले जाएंगे। नहीं अभी दो चार आइटम्स और लगेंगे, तो चलो यार फटाफट से चलते हैं अंदर। यहाँ पे अपना टीममेट अंदर गया एंड सीधा जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट का झटका, उसके बाद जो है ना अपना दूसरा टीममेट गया अंदर। वैसे एक चीज़ गलत सीन तो है गाइज, हम लोग जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट लगाते हैं, बट अगर दिमाग से करो ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट को भी हम लोग चकमा दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। एक बार जाओ एक बंदा नॉक हो, फिर दूसरा जाओ दूसरी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट से नॉक हो, एंड फिर जो है ना तीसरा बंदा फटाफट से जाके एक मस्त लोकेशन पकड़ ले जैसे हम लोगों ने पकड़ी। तो देखो अपनी दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट को भूस हो चुकी है अभी कुछ देर के लिए, एंड हम लोग आए यहाँ पे जो इन्होंने डबल वॉल्स लगाया हुआ था ना उनकी बेजल के बीच में गैप जो था उसमें छुप गए। एंड अभी जो है ना मैंने यहाँ पे फटाफट से बॉम्ब वगैरह ड्रॉप किया अपने टीममेट के लिए, लगभग 20 C4 अपने पास यहाँ पे है एंड कुछ हैंडमेड्स हैं। तो देखते हैं गाइज ये भाई कहाँ पे लगाएंगे, तो मैं ऐसे करता हूँ ना ड्रॉप करता हूँ, बस मैंने कह दिया था कि मेरे पास इतने ही बॉम्ब्स हैं। तो चलो यार यहाँ पे जो है ना अपना टीममेट लगा रहा है बॉम्ब, एंड देखो इस तरीके से का बेस बनाते हो ना गाइज आप लोग, तो ये बेस भी काफ़ी ज़्यादा इजीली होता है रेड करना कुछ इस तरीके से। हम लोगों के पास जो गैप्स दिखता है ना, तो गैप्स के बीच में से बंदा बॉम्ब लगाता है, उसमें डैमेज जो है ना स्प्लिट होता है, तो कम से कम 4 से 5 वॉल जो है ना एक साथ टूटता है इस वाले बेस में। तो अभी जो है ना यहाँ पे से थोड़ा सा एरिया बन चुका है और इसी के थ्रू जो है ना हम लोग इसके बेस के अंदर घुसेंगे। तो ओके गाइस यहाँ पे खुला देखो पूरा बेस। तो मैं बोल रहा था यार जिसके पास 3 C4 है फटाफट से आओ यहाँ पे, अपने को C4 वगैरह चाहिए। तो वो जो है ना गाइस अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट से अंदर घुसने का ट्राई कर रहे हैं। मैंने कहा यार अब तो हो गया बेस रेड यहाँ पे, तो चलो यार फटाफट चलते हैं अंदर। अपना एक टीममेट तो गया, बट मैं किस तरीके से जाऊँगा वो देखना है अभी अपने को। तो ओके यहाँ पे अपना दूसरा टीममेट भी गया, ओके मैं भी आ गया। तो फाइनली गाइज यहाँ पे जो है ना मैं भी इनके बेस के अंदर आ चुका हूँ। ओके भाई ये तो पूरे का पूरा टाइटेनियम का है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो अपन लोग ऐसे करते ना सीधा डोर टू डोर चलते हैं यहाँ पे। तो मुझे लग गया था यार यहाँ पे जो है ना बंदा वगैरह ऑनलाइन आ चुका है, बट हम लोग यार बेस के अंदर है, अगर बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट मारेगा। तो देखते हैं यार यहाँ पे 3 C4 में क्या हो पाएगा, क्या लगता है गाइस आपके पास, आपको 3 C4 में हो पाएगा? बट आई डोंट थिंक सो अभी 3 C4 में होगा। एंड एक टीममेट तो अपना वहीं पर नॉक हो रहा है, दोबारा आने का ट्राई कर रहा है, दोबारा नॉक हो रहा है। तो भाई यहाँ पे जो है ना अपन लोगों ने डिसाइड करा कि इसका जो है ना हम लोग आयरन का फाउंडेशन ही उड़ाते हैं। तो अभी हम लोग बोल रहे हैं कि बम किधर है, तो मैंने बोला यार मैंने बॉम्ब वगैरह तो ड्रॉप कर दिया था, एंड तो अपन लोग बोलने लगे भाई जिसके पास बॉम्ब है फटाफट से अंदर आ बॉम्ब लगा। तो आई थिंक गाइस वो टीममेट आ चुका है, एंड देखो आयरन की फाउंडेशन उड़ा रहे हैं। तो मैंने कहा यार बॉम्ब तो यहीं पे खत्म हो जाएंगे, तो उन्होंने बोला खत्म नहीं हो जाएंगे कि हो ही गए खत्म। तो मैंने कहा ठीक है यार। तो ओके गाइज यहाँ पे देखो काफ़ी अंदर तो पहुँच चुके हैं, फॉलो इस बंदे को उड़ाते हैं,
अपने बम फाइनली गाइस यहाँ पे खत्म। तब तक बंदा आया पीछे से एंड बंदे ने जो है ना अपने को बचा भी दिया। मैं सोच रहा था यार क्या पता अपन लोग इसके अंदर जा पाएंगे, बट अंदर तो नहीं जा पाएंगे। बट मेरे को यहाँ पर फुटस्टेप्स आने लगे कि बंदा आ गया बाहर से, तो देखते हैं यार। भाई बेस है, मतलब नॉर्मली है, इजीली हो जाएगा क्योंकि फाउंडेशन आयरन का था। तो यहाँ पे से गाइस कुछ इस तरीके से देखो, कोने कोने से कहाँ कहाँ से बॉम्ब लगा रहे हैं जगह बना के। ओके टूटा ये एक और डोर टूटा इसका, एक अपना टीममेट घुसा अंदर। भाई ये ऑटो कैनन लेके आया बंदा। बस यार देखो मेरे पास इतना ही सामान था, लगभग अपने पास ओनली 30 के करीब ऑयल ड्रम्स बचे हुए थे। और यहाँ पे से यार बाहर निकलने का तो कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि वहाँ पे ऑटो कैनन थी एंड ऑटो कैनन को फोड़ने के लिए अपने पास बम भी नहीं है। एंड वो बंदा तो यार अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहा है जो ऑटो कैनन लेके आ रहा है। बट कोई नहीं यार, इसके बाद हम लोग यहाँ पे मरे एंड फाइनली अपना सर्वर सोता है यहाँ पे खत्म। हम लोगों ने यार कम से कम 6 बेसेस वगैरह रेड किए थे, बट मज़ा काफ़ी ज़्यादा आया। जितने मेन बेस थे वो हम लोगों ने उड़ाए थे। तो चलिए गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड मिलते हैं फिर आपसे एक नए सर्वर में काफ़ी ज़्यादा एपिक जर्नी के साथ लैंड ऑफ डाउन में। सो बाय बाय गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर लवली सपोर्ट।